गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप लोगों की प्रीवियस आईडी एक्सपायर कर गई थी बहुत लेट क्लास ज्वाइन की गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग तो लास्ट क्लास में हम लोग प्राइवेट बी लाइन के बारे में पढ़ रहे थे राइट प्राइवेट बी लाइन आप में से किसी को ख्याल है कि किस लिए यूज करते हैं प्राइवेट बी लाइन isolate promiscuous और community तो ठीक है ये तो टर्म्स है क्योंकि हमने डिस्कस किया था और काफी लंबे मतलब अप्रॉक्स वन वीक के बाद फिर से आपकी क्लास यहाँ स्टार्ट हो रही ड्यू टू फेस्टिवल तो व्हाट इज प्राइवेट वीलैंड क्या है प्राइवेट फिर ठीक है उसके अंदर आएंगे हम लोग कोई भी जन ऑनलाइन स्टूडेंट्स हेलो हेलो कोई नहीं लगता है रिपीट करनी पड़ेगी यस सर दरअसल में रिपीट में जस्ट रिकॉल करा था उन्हें वो तो और इन डिटेल जाऊंगा वीलैन का यूज हम लोग क्यों करते हैं कुछ कहां खोए हो है? वीलैन तो हम लोग इसलिए बनाते हैं जिससे एक ही फिजिकल स्विच पे जितने भी पोर्ट्स हैं उनको लॉजिकली अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग लैन सेगमेंट बना सके जिससे नेटवर्क अलग अलग हो जाए उससे सिक्योरिटी बढ़ रही है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल हो रहा है ठीक है वो तो ओवरऑल जब आप ब्रॉडकास्ट कंट्रोल कर लेंगे तो आपका स्पीड तो अच्छा रहेगा ही अब यहां पे पॉइंट आता है कि ठीक है अगर मल्टीपल नेटवर्क के लिए हम मल्टीपल वीलैन बनाते हैं मल्टीपल नेटवर्क कहने का मतलब कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से हमें डिवाइड करना था तो हमने मल्टीपल वीलैन बना लिए उनको डिवाइड कर दिया अब जितने वीलैन डिफाइन करेंगे उतने सारे आपको अलग अलग आईपी सबनेट भी यूज करना पड़ेगा आईपी एड्रेस भी यूज करना पड़ेगा जिससे सारे वीलैन अलग अलग नेटवर्क में हो और फिर इनको कम्युनिकेट भी अगर कराने की जरूरत आए तो हम उनके बीच में कम्युनिकेशन भी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटर यही था ना तो ये तो हमने बेसिक जब पढ़ा वीलैन को तो उसमें पढ़ लिया अब यहां पे बात आ गई कि जो वीलैन है इसमें अगर हम बहुत सारे इस तरीके के सेगमेंट्स की बात करते हैं लॉजिकल सेगमेंट्स की तो बहुत ज्यादा आईपी सबनेट यूज हो गड़बड़ क्या कोई ऐसी फैसिलिटी है जिसके हेल्प से एक वीलैन के अंदर ही हम कुछ
ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सके कुछ ग्रुपिंग के हेल्प से, वीलैन एक ही हो। मान लो हमने स्विच के में 24 पोर्ट थे, हमने जो है वो 10-10 पोर्ट के दो वीलैन बनाए। अब 10 पोर्ट वाले एक वीलैन में भी हम कुछ सेपरेशन कर सके, तो ऐसा फैसिलिटी देता है आपका प्राइवेट वीलैन। एक सिंगल वीलैन के अंदर में पोर्ट्स को कंट्रोल करना कि कौन किससे कम्युनिकेट करेगा कौन नहीं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपका प्राइवेट वीलैन विदाउट यूजिंग डिफरेंट सबनेट ऑफ आईपी। इट मींस इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ आईपी एड्रेस। अब ऐसा करने के लिए ही ना हम लोगों ने डायग्राम यूज किया था, जिसमें मैंने कुछ आ जाता हूं आपके फिर से ड्रॉ। ये बात समझ में आई? अब पहले थियोरेटिकल फिर डायग्राम पे आऊंगा। अब इसमें था कि फॉर एग्जांपल 10 पोर्ट का एग्जांपल अपने लिए पुट कर लेते हैं, अब हम लोग इसी पे सारी बात करेंगे। तो हमारा मान लो कि वीलैन 2 है, इस वीलैन 2 में हमने 10 पोर्ट रखे। अब इस 10 पोर्ट में मैंने सोचा कि भैया ये पोर्ट तो 1 to 10 तक कंटिन्यू है, इसमें से 1 और 2 ये आपस में कम्युनिकेट करें, और उधर 9, 10 आपस में कम्युनिकेट करें, जबकि है वीलैन एक ही वीलैन में, वीलैन 2 में पोर्ट नंबर 1, 2 और पोर्ट नंबर 9, 10 ये आपस में कम्युनिकेट करें। बढ़िया। तो इस तरीके के जब कुछ पोर्ट्स के ग्रुप लेते हैं हम एक वीलैन के अंदर में, इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी वीलैन। और ये कम्युनिटी वीलैन में जितने भी पोर्ट आएंगे वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये दूसरे कम्युनिटी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। जैसे हमने दो कम्युनिटी बनाया, कम्युनिटी 1 कम्युनिटी 2 फॉर एग्जाम्पल, तो कम्युनिटी 1 से कनेक्ट में जितने भी नोड होंगे वो कम्युनिटी 2 से नहीं कम्युनिकेट करेंगे। बढ़िया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास में कुछ पोर्ट ऐसे हो जिनसे कनेक्टेड नोड से कोई कम्युनिकेट ना कर पाए, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाए, वो वीलैन में रहे लेकिन उसका कनेक्शन किसी से ना हो। कंडीशन भी आता है, क्यों आगे बताएंगे। तो ऐसा करने के लिए उस पोर्ट को किस में डाल देंगे? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड वर्ड याद नहीं आ रहा है? आइसोलेशन से, होम आइसोलेशन। कोरोना ने तो कुछ वर्ड जबरदस्त सिखाए हैं, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे ही आ जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से आइसोलेशन से ही आ गया आइसोलेटेड, मतलब सॉरी क्या बोला, आइसोलेटेड यानी कि बिल्कुल अलग थलग कर दो। आइसोलेशन का मतलब कोरोना में क्या था कि एक आदमी को अलग कर दो, सेपरेट कर दो, मींस वो किसी से कम्युनिकेट ना कर सके, मतलब उसमें जो डिजीज है वो किसी और को कम्युनिकेट ना हो, कम्युनिकेट या स्प्रेड। ठीक, यहाँ पे भी अगर किसी पोर्ट को हम आइसोलेट कर देते हैं तो वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। यहाँ पे एक इंडिविजुअल पोर्ट की बात हो रही है और कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब इसी प्राइवेट वीलैन में एक कॉन्सेप्ट और था कि तो इस तरीके से जब हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं एक वीलैन में,
तो इसका आउटपुट कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, तो फिर तो ये रहना ना रहना तो बेकार ही है ना। तो इसके लिए हुआ नहीं, ये आउटसाइड के वर्ल्ड मतलब आउटसाइड नेटवर्क से अपने स्विच के बाहर से नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकता है। कैसे? तो इसके लिए एक पर्टिकुलर पोर्ट को बना दो, प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट। जैसे ही किसी पोर्ट को आप प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट बनाएंगे तो उस पोर्ट पे जो भी सर्विस अवेलेबल है उस सर्विस को कम्युनिटी वाले, नॉन कम्युनिटी वाले यानी जो कम्युनिकेटिव नहीं है, इवन आइसोलेटेड, ये सारे लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है? तो इतनी सारी बातें हो सकती हैं एक वीलैन के अंदर। देखिए इतनी सारी चीजों को करने के लिए हमें प्राइवेट वीलैन की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल वीलैन ऐसे ही बना के छोड़ देने से नहीं होगा। तो प्राइवेट वीलैन प्रोवाइड्स अस फैसिलिटी टू कंट्रोल पोर्ट्स इन अ सिंगल वीलैन बाय यूजिंग कम्युनिटी आइसोलेटेड एंड प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट। अब कंडीशन आता है, अब डायग्राम पे आ जाता हूं थोड़ा अच्छा इधर। तो प्रोजेक्टर बंद हो गया है क्या? इट विल टेक टाइम। ठीक है, अब कंडीशन इस चीज को और हेलो उसको पीछे ही मुड़ा रहता है, बैठने में नहीं बन रहा है। देखो ये अब इस तरह का कंडीशन अगर आता है तो ऐसा कंडीशन कहाँ यूज होता है? ये हकीकत में इस तरह का सीन यूज होता है आईएसपी के केस में, जब ISPs मल्टीपल वेबसाइट्स को या साइट्स का कनेक्शन देती है। तो वैसे केस में अगर वो चाहती है कि नहीं, ये अगर यहाँ पे दो पोर्ट से कनेक्टेड कोई पर्टिकुलर दो वेबसाइट्स हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो, एक कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसका किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये आउटसाइड वर्ल्ड से ही कम्युनिकेट करे, तो इसको अलग साइट को रख देती है, आइसोलेट कर देती है कि कम से कम ये लोग ना उसको हिट कर पाए। फिर इसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक कम्युनिटी और बना लेते जैसा डिस्कस किया, लेकिन पब्लिक एक्सेस तो चाहिए। तो पब्लिक एक्सेस करने के लिए हम फिर एक पोर्ट को बना देते हैं प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट। ठीक है, अब ये अगर पोर्ट प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट हो गया और इसके साथ में आउटसाइड वर्ल्ड से पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टिविटी है, तो वैसे केस में क्या होगा कि पब्लिक नेटवर्क पे जो भी सर्विस अवेलेबल है या जो चीजें भी हैं
उसको सारे एक्सेस करेंगे। लेकिन ये इनसाइड द वीलैन, अगर एक ही वीलैन पे मल्टीपल वेबसाइट्स रन कर रहे हैं तो उन वेबसाइट्स को आपस में कंट्रोल करने के लिए, सर्वर्स को आपस में कंट्रोल करने के लिए, स्टोरेज को कंट्रोल करने के लिए, जिस भी किसी कॉन्सेप्ट में बिठा लो, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है प्राइवेट वीलैन। और साथ में आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टिविटी है। अब मान लो इधर कोई बंदा कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में इधर अपना लैपटॉप लेके बैठा है, ठीक है, वो लिंक्ड है, तो उसको तो सारे का फैसिलिटी मिल रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। जैसे यहाँ पे प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट की वजह से इन सबको फैसिलिटी मिल रही है आउटसाइड की, तो आउटसाइड में अगर कोई बंदा बैठा हो तो उसको भी तो इन सारे की फैसिलिटी मिलेगी। देखो कोई भी चीज हो उसमें ऐसा नहीं होता कि आप कि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चीजें नॉर्मल होती हैं जो आप फंडामेंटल एक बार अगर आपका क्लियर हो जाए तो हम सिर्फ उसमें ऐड करते चले जाते हैं। आप बीसीए में जितनी चीजें पढ़ लेंगे, बीसीए बीएससी आईटी जो भी, उसमें जितनी चीजें पढ़ लेंगे आप, वही आपका मेन कोर कॉन्सेप्ट है। इसके बाद तो सिर्फ आप उसमें प्लस करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड करते चले जाते हैं। तो जैसे हमने वीलैन को पढ़ लिया तो वीलैन से इतना तो क्लियर समझ में आ गया कि हाँ भैया इससे जो है ना पोर्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, लॉजिकली डिवाइड हो जाते हैं। अब ये जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वीलैन बना लिया, वीलैन के बीच राउटिंग भी करा लिया, दो डिफरेंट स्विचेस पे भी वीलैन बना लिया, तो उसके बाद जो सीन जनरेट होता है, अब क्या है कि अब तक तोड़ रहे थे अलग अलग वीलैन में, अब एक वीलैन के अंदर भी तोड़ रहे, तोड़ते भी और जोड़ते भी। तो जो कोर नेटवर्क्स होते हैं ना, बड़े नेटवर्क होते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंटेड होती हैं, लेकिन वो सब भी कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट से ही शुरू होती है। मैं अपने कंप्यूटर पे बहुत कुछ कर दूं, लेकिन स्टार्ट तो किया होगा ओएस इंस्टॉलेशन से ही, ठीक है। तो प्राइवेट वीलैन इज नॉट अ बिग टास्क, इट्स सिंपल। अब आइए रही बात इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो जस्ट वेट। हाँ, आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन, एक जीएनएस है, जीएनएस का नाम आप लोगों ने मे भी नहीं सुना होगा, बट GNS बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है ये भी, लेकिन हाँ पैकेट ट्रेसर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये टेढ़ा है, कॉम्प्लिकेटेड। बट GNS को पे आपको इस प्राइवेट वीलैन का प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि आई विल ट्राई, क्योंकि मुझे उस GNS पे बताने से पहले आपको GNS सिखाना पड़ेगा, GNS है क्या, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं अगले क्लास में वही समझाऊंगा, राइट। तो अब एक बार मैंने ये प्रीवियस क्लास को रिपीट कर दिया जस्ट, क्योंकि आज टाइम भी थोड़ा शॉर्ट हो गया, और आप खुद से भी थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं, जैसे क्लास में बैठे हैं ना, अगर बीच में टाइम मिल गया 5-10 मिनट का दो क्लास के बीच में, तो फट से क्या पढ़ना क्या है, एक बार धड़ा से पढ़ लिया, देख लिया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। हाँ, सिर्फ यस सर तो बोलती हो तुम लोग, क्वेश्चन पूछ रहे हो, सब कुछ भाषण में फंस गया। ठीक है, एक काम करो,